मतलब है कि डीएनए मैच नहीं किए? अनमोल से क्या कहेंगे हम लोग? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम अपने बच्चे को कहाँ ढूंढेंगे अब जाके? देखो देखो रो रहा है, मुझे भूल नहीं रहा है, थोड़ी देर के लिए दे दो, मुझे प्लीज नहीं लेके, मुझे यहाँ बच्चा को पापा, मुझे बच्चा लेके जाइए, मुझे हमारे पास अनमोल एक्चुअली ना मैं कुछ पेपर्स लाई थी, मुझे तुमसे साइन करवाने थे, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करती, प्लीज जरा इन पे साइन तो कर दो। ये लो, अब यहाँ। सर चक्कर खा रहा है। कुछ नहीं, बस दो ही पेपर और हैं, तुम यहाँ भी कर दो। हाँ, और अब बस इस पर। कैसी अनमोल? ठीक हूँ। क्या हो गया अभी अचानक से? अब कुछ नहीं, वो ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे तो मैंने सोचा अनमोल से साइन करवा लूं। अरे नहीं नहीं अभी रहने दो, अभी तंग मत करो उसे, रेस्ट करने दो। हाँ तो कोई बात नहीं, हम बाद में करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे। मैं देख लूंगी आजान, आप छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी। क्या एकदम कुछ नहीं, बस वो कह रही हूँ ना ऑफिस के पेपर्स हैं, आप क्यों परेशान हो? अनमोल फिक्र ना करो, हम लोग कोशिश करें शामिल करो उन्हें की, तुम आराम करो, सो जाओ। सब काम बन गया था मगर आजान की मोहब्बत अचानक जाग गई। कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे बाद में। उसके साइन करते हुए हाथ कांप रहे थे आशी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हम उससे साइन नहीं करवा सकते, बाद में अगर उसके साइन मैच ना हुए तो क्या करेंगे? देखो बाद में कोई इशू हो इससे बेहतर है कि अभी साइन ठीक करवाओ, हो सकता है इस हालत में साइन में फर्क आए। ओके मैं कुछ करती हूँ, बाय। क्या हाल है बेगम साहब आपके? वैसे एक बात है, तुम काफी हद तक ठीक हो चुकी हो, मैं बोली सच्चा नहीं? आपका साथ हो तो कौन ठीक नहीं होगा आसान। बस दुआ करो कि अनमोल का बच्चा मिल जाए, उसे ढूंढ पाऊं मैं, तो उसे भी चैन आ जाए। आजान अनमोल अपने बेटे को बहुत हद तक भूल चुकी है। नहीं फरियाल, एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, तो शुक्र है कि डॉक्टर ने जो एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं वो काम कर रही हैं, उसका काम काफी हद तक मुंतमिल हो चुका है। आजान आप एक काम क्यों नहीं करते, फरहान के फार्म हाउस पर बच्चों और अनमोल को लेकर कुछ दिन के लिए चले जाए? हाँ वैसे दैट्स अ गुड आइडिया, जाया जा सकता है, लेकिन तुम भी तो चलोगी ना साथ? मैं नहीं जा पाऊंगी, ऑफिस की मशगूलियात और। ये क्या बात हुई यार फरियाल, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे बगैर। अच्छा ठीक है, आपको भी तो नाराज नहीं किया जा सकता ना, मैं एक काम करूंगी कि काम खत्म करके आपके पास जल्दी से आ जाऊंगी। That's like a good girl. तो फिर तय हुआ कि हम लोग परसों जा रहे हैं और तुम हमें as soon as you'll get done, अब तुम हमें ज्वाइन करो, ठीक है? चल। किधर रह गई है निम्रा? कहाँ रह गई निम्रा बेटा, इतनी देर लगा दी आपने। पापा मेरी फ्रेंड अपनी कार में आ रही है, लेकिन पापा उसके पास टेनिस नहीं है। तो बेटा रैकेट आप अपने साथ लेकर तो आई हो, पिछली गाड़ी के ट्रंक में नहीं पड़े हुए? नहीं पापा वो मैं रखना भूल गई थी। ओहो अच्छा बेटा, टेनिस खेलना जरूरी तो नहीं है ना, फिर कभी खेल लेना। नहीं पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है टेनिस खेलना। हाँ बेटा वो तो आई नो, लास्ट ईयर आपने लेसन भी लिए थे। अनमोल प्लीज तुम ये मामला हल करो भाई। हाँ तो हम लोग घर जाकर रैकेट्स ले आते हैं। क्या अब हम फिर घर जाएंगे? हाँ घर जाएंगे और रैकेट्स उठाकर हम सब मिलकर फार्म हाउस चलेंगे। नहीं नहीं मुझे जाना है, जल्दी जाना है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। कोई बात नहीं मैं फिर कभी खेल लूंगी। निम्रा आप एक काम करो,
पीछे वाली गाड़ी में जिसमें सामान है आप उसमें ड्राइवर के साथ चले जाओ और रैकेट्स लेकर जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है, चलो ख्याल से जाओ। चलो चलो। पूरे 150 करोड़ मेरे हो चुके हैं, ये सब कुछ तुम्हारे आइडियाज की वजह से हो रहा है। सब कुछ मेरा शेयर? पक्का मेरी जान, पक्का। तुम बस तैयारी रखो। So now you're a rich lady. Of course, मैं जीत चुकी हूँ, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। जिंदगी जीने का फन तो हम जैसे जीनियस लोगों को आता है, बाकी सब कुछ फजूल है। तुमने फार्म हाउस नहीं जाना अपने हस्बैंड और बच्चों के पास? फार्म हाउस कौन जाना चाहता है, यहीं रहेंगे, पार्टी करेंगे। और रही बात हस्बैंड की, तो ना मेरा हस्बैंड मेरा है और ना ही मेरे बच्चे मेरे रहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अपनी सास को मैंने मार डाला, फिर मैं कहती नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। उन बेचारी की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी, और अगर वो टैबलेट मैं उन्हें दे देती ना तो वो बच जाती। तो खुद ही सोचो, ये सब कुछ मेरा होता कभी भी नहीं होता। मैंने कहा ना, तुमने उन्हें नहीं मारा। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा, ये सब कुछ मेरा था और मेरे पास आ गया। ये सब कुछ मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया। अब अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। मैंने तो अनमोल के बच्चे को भी उसी के हाथों मरवा दिया था, तब भी मेरे हाथ साफ थे। और सालिया बेगम के मरने के बाद भी मेरे हाथ साफ है। Yes, I want this. मैं सब कुछ हासिल कर चुकी हूँ। I'm so happy. Thank you so much. अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं इस वक्त कहाँ होती। चलो पार्टी करें, आज हम बहुत सारी पार्टी करेंगे। निम्रा को ड्राइवर के साथ सामान वाली गाड़ी में भेज तो दिया, लेकिन बेहतर ये नहीं होता कि हम निम्रा के साथ ही घर वापस जाते? भाभी भी घर पर नहीं है। बेहतर तो ये होता अनमोल, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये जिद कर रहा था। पापा तुम्हें जल्दी पहुँचना था ना। हाँ पर बेटे अब देखो ना, अनमोल आंटी इज गेटिंग वरीड नाउ, किस तरह से निम्रा को हमने भेज दिया। वैसे मेहराब अगर आप कहो तो हम लोग जल्दी से जाके ले आए उसे घर से। नहीं बेटा लेट नहीं हो गया, यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। बस आजान चलें घर, फिर निम्रा के साथ ही जाते हैं हम। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ता हूँ। शाम होने में भी बहुत वक्त है, ऐसा करते हैं कि सलून चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ यार तुम्हें तैयार होना है, हमारा पूरा मेकओवर है, समझो आज की पार्टी तुम्हारी ही थ्रू की है। अरे तुम यही हो, अभी तक गई नहीं? हाँ वो मेरी फ्रेंड आ गई थी ना आशी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। आशी इनसे मिलो, ये हैं अनमोल और ये मेरे हस्बैंड। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, बहुत लकी है ये। थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी जल्दी आ गए, सब खैरियत? अरे भाई वो निम्रा की फ्रेंड और उसकी बड़ी बहन आ रहे हैं वहाँ पे फार्म हाउस पे, वो जो टेनिस प्लेयर नहीं है वो, तो मैंने इससे कहा कि तुम घर जाके अपने रैकेट ले लो और उसके साथ टेनिस खेल लेना। कहाँ है निम्रा? भाई अंदर गई थी रैकेट लेने के लिए, काफी टाइम हो गया अभी तक आई नहीं, मैं देख के आता हूँ। ऐसा करते हैं कि निम्रा को साथ में लेकर इकट्ठे ही चलते हैं, क्या ख्याल है? मैं निम्रा को लेकर आती हूँ, आप लोग गाड़ी में बैठे। हाँ बल्कि एक मिनट ठहरो, मैं भी देख के आता हूँ। आशी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम ऐसा करो कि तुम निकलो, मैं देखती हूँ, तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। निम्रा निम्रा, ये आवाज तो नीचे से आई है, शायद नीचे होगी, मैं देखती हूँ। निम्रा 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 बेटा क्या हुआ, आप तो रैकेट लेने आई थी। निम्रा मेरी जान क्या हुआ? निम्रा क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? मम्मी बेटा मम्मी बाहर गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या हुआ क्या मुझे बताओ। चुप हो ना, अरे चुप हो ना। क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ,
क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है? तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी। बेटा आप तो रैकेट लेने आए थे ना अपने, क्या हुआ एकदम से आपको? थोड़ी देर पहले ये जब घर से गई थी बिल्कुल ठीक थी। आपने इसे ड्राइवर के साथ अकेले भेजा था क्या? हाँ, वो इसकी जो फ्रेंड है जिसकी बड़ी बहन टेनिस प्लेयर है, वो लोग आ रहे हैं फार्म हाउस में। मैंने कहा रैकेट ले ले, उनके साथ जाके टेनिस खेल ले। कैसे बात है आप, आपने अपनी जवान होती हुई बच्ची को अकेले ड्राइवर के साथ भेज दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। पर यार इसमें ड्राइवर का क्या लेना देना है, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी ये। थोड़ी देर पहले जब ये बाहर गई थी तो ये बिल्कुल ठीक थी, अब थोड़ी देर बाद जब ये वापस आई है तो ये ठीक क्यों नहीं है? बाप होने की जिम्मेदारी समझते हैं आप? अपनी जवान बच्ची को ड्राइवर के हवाले कर दिया किसी गैर मर्द के। खड़े क्या है, जाकर ड्राइवर से पूछे। तुम भी जाकर हैंडल करो सब, जाओ ना। क्या देखा है तुमने? हाँ जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या देखा है तुमने, क्या देखा है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बताओ क्या देखा है, बताओ। मम्मी, मम्मी, आप दादू को मारे, आपने मर्डर भी किया। ओए, इधर आ। क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। बकवास कर रहे, बकवास कर रहे। सच सच बता तूने क्या किया उसके साथ? मालिक मैं कसम खा के कहता हूँ, जब बिटिया अंदर आई थी बिल्कुल ठीक ठाक, जब मैंने तेरे हवाले की थी तब ठीक थी, अब डर ही नहीं बिल्कुल। निम्रा, मैं तुम्हें अभी ऊपर लेकर जा रही हूँ, किसी के सामने अगर तुमने मुंह खोला ना, तुम्हें तुम्हारी अनमोल चाची को सच में मार दूंगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जैसा मम्मा कहती हैं वैसा ही होता है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ ऊपर चलो। चलो चलो। मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे, तुझे नहीं पता, तुझे तो मैं भी बताता हूँ। चल मेरे साथ, चल। इस खबीस आदमी को पुलिस के हवाले करें, आप इसे यहाँ भी क्यों लेके आए हैं? पता नहीं इसने क्या किया हमारी बच्ची के साथ। मैडम खुदा के वास्ते पुलिस को मत बुलाएं, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। चुप करो अजान, आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं? इसे निकालें बाहर, बुलाएं पुलिस को। निम्रा, 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 अजान आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ पे खड़े होके इसको संभालें, वरना ये भाग गया तो हम इसे पुलिस के हवाले नहीं कर पाएंगे। मैं निम्रा को देखती हूँ। कादिम हुसैन, इसे निकलने मत देना यहाँ से, मैं आ रहा हूँ अभी। निम्रा, दरवाजा खोलो। निम्रा नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। निम्रा तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना, दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। निम्रा, पर यार क्या? निम्रा कुछ नहीं हुआ, ना फटे। पीछे हटो, मुझे देखो। आजाद क्या करे, क्यों बेवकूफ हो गया यार? मेरी बेटी बंद है अंदर, क्या बातें कर रही हो तुम? बंद है मगर क्यों बंद है ये सोचा है आपने? जाकर उस ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन की आपने? खादिम पूछगछ कर रहा है उससे नीचे। पूछगछ कर रहा है, वाह आजान, आपको तो उसे जान से मार देना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या होगा उसने मेरी बेटी। पर यार क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? बूढ़ा इंसान है, बुजुर्ग है, कब्र में टांगे लटका के बैठा हुआ, क्या किया होगा उसने? कुछ नहीं किया होगा, उम्मीदों पर जी रहे आप, या जो कुछ हुआ होगा उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहे आप। बात का पतंगड़ मत बनाओ फरियाद, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। मैंने आप ही की गलती पर उसे माफ कर दिया है। मैं बहुत पोजेसिव हूँ अपनी बेटी को लेकर। बाप भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत पोजेसिव होते हैं, बल्कि माओं से ज्यादा होते हैं। मेरी बेटी अंदर बंद है इस वक्त फरियाद, अगर उसे कुछ हो गया ना तो जान से मार दूंगा। कुछ नहीं होगा उसे, आप जाए यहाँ से, मैं अपनी बेटी से खुद ही बात कर लूंगी। यहाँ माँ बेटी का मामला है। आपसे तो उस बुड्ढे को कुछ कहा नहीं गया, मगर मैं उस बुड्ढे को खुद ही देख लूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप तो उस बुड्ढे से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सके हैं। फरियाद यू बेटर मेक श्योर कि मेरी बेटी को कुछ ना हो, भेज रहा हूँ शर्फू को मैं। निम्रा, निम्रा, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। Oh
यार वो निम्रा ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। लेकिन वो तो भाभी के साथ थी ना। हाँ थी उसके साथ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ऊपर गई है जाके कमरे में लॉक कर, अब दरवाजा नहीं खोल रही। मैं उससे बात करती हूँ, वो मेरी बात नहीं डालती। मैं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फरियाल ने मना किया, वो कह रही खुद ही हैंडल करेगी, किसी को ऊपर नहीं आने दे रही। शर्फू को भेजने के लिए बोला, मैं देख के आता हूँ उसे। तुम्हें पता है फरियाल, अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? तुम जेल जाओगी फरियाल। क्या? मैं जेल नहीं जाऊंगी आशी। बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं हर जगह पैसे लगा दूंगी और हर सबूत पैसे से खरीद लूंगी, मगर मैं जेल नहीं जाऊंगी। पैसे के धोखे में मत रहना, ये पैसा ही इंसान को कभी कभी धोखा दे देता है।